अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमाज़ बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। सो आज रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि प्लीज़ ये बताइए वेइंग मशीन का कैसे यूज़ करना है। सो मैंने सोचा आज मेरा डोनट का क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए, तो अभी मुझे आगे का काम करना है, इसीलिए ये सेशन फटाफट करते हैं। देखिए, मार्केट पर इस तरह का आपको किसी भी केक शॉप पर बहुत ही ईजीली इस तरह का आपको ये वेइंग मशीन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये हार्डली 200, 250, 300 या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा इस तरह का, जो इजीली मिल जाता है, बहुत ही हैंडलिंग के लिए बहुत ही, और ये बैटरी पे चलता है। यहाँ से इसको हम लोग बैटरी डालते हैं और ये दो बैटरी पे इस तरह से चलता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास बेकिंग शुरू करना है और कुछ नहीं है तो ये बेस्ट है, आप ले सकते हो। सेकंड होता है ये इस तरह का, ये जो है ये 1000+ में आ जाता है। ये मैंने अभी लास्ट ईयर बैंड्रा में जो बेकरी बिज लगा था तो उस एग्जीबिशन से लिया था। ये जो होता है ये 1000+ में आ जाता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मतलब एकदम परफेक्टली आप इसमें देख सकते हो। लेकिन ये क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप ज़्यादा काम करते हो तो आप ये 1000 खर्चा करो, अदरवाइज़ इससे आपका काम ये वाला नहीं, आप इसी से अपना काम चलाइए, बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी हाइट कम है, ये आगे रख लेते हैं, ये यहाँ रखते हैं। ये वाला जो है इसके लिए चार्जर यूज़ करना पड़ता है, ये बैटरी से नहीं होता है, बड़ा वाला जो है इसको चार्जर से यूज़ करना पड़ता है, चार्जिंग करनी पड़ती है, बैटरी से नहीं होता है। ठीक है, और मेरा तो ऐसा हो गया है कि थोड़ी देर अगर मैं चार्ज सिंक से हटाऊं तो ये बंद हो जाता है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इसे चार्जिंग पे रखना पड़ता है अगर मुझे कंटिन्यू काम करना है। और मैंने एग्जीबिशन से लिया था एज आई सेड, तो वापस करने का या फिर कंप्लेन करने का कुछ प्रॉब्लम ही हो गया इसका। सो हम लोग पहले इसका देखते हैं कैसे करना है हमको। इसमें देखिए इस तरह से 3 बटन्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बटन होता है ऑन ऑफ का, उसके बाद होता है मोड, उसके बाद होता है टार। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऑन कर लिया आपने, ऑन हो गया आपका, उसके बाद आपको देखना है कि इस पर वेट कितना है। ये मोड होता है इसमें ग्राम और वही होता है, देखिए ये मोड आपने चेंज किया तो इसमें पाउंड का हिसाब आने लगता है, हमको पाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ नॉर्मली जो मोड चलता है वो ये चलता है ग्राम के हिसाब से। अब ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी, ये बता रहा है देखिए 590 ग्राम, जबकि ये प्लास्टिक का वेट इतना नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये जो मशीन है ये मैंने ली थी तो यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं लेकर आ गई और बाद में मैंने ध्यान दिया कि मैं कोई चीज़ वेट कर रही हूँ, तो मुझे पता चलने लगा कि ऐसे पैकेट जो है उसको वेट करके जब घर पर आकर देखा तो पता चला कि ये ऐसे है। सो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी ज़्यादातर यही बड़ी वाली मशीन यूज़ में आती है। बट आपको ये वाली जब आप लोगे तो एज आई सेड कि आप इसको शॉप पे जाओगे, आप जब लोगे तो आप इसके ऊपर कोई भी चीज़, जैसे आपको पता है, जैसे अभी ये है, इसका मुझे पता है कि परफेक्ट ये 500 ग्राम है, मैंने इसको रख के देखा ये ज़्यादा आ रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक का वेट है हार्डली 10-12 ग्राम होगा, सो ये वेइंग मशीन ठीक नहीं है। बट इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वेइंग मशीन आपकी समझ लीजिए कि ये परफेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर नीचे है मेरी मशीन वो भूल जाइए, समझ लीजिए ये आपकी परफेक्ट वेइंग मशीन है। अब क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे बाउल रख लिया, ठीक है, अब ये बता रहा है कि 208 ग्राम का ये बाउल है। अब मुझे क्या करना है, इसको टार कर देना है, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब ये ज़ीरो हो गया, इसमें मैं जो भी फिल करती हूँ, जैसे कि अब मैं मुझे यूज़ करना है, लाइक मुझे समझ लीजिए यूज़ करना है, मुझे 50 ग्राम मैदा लेना है, ठीक है, तो अब मैं इसमें, या समझ लीजिए 20 ग्राम मैदा लेना है, तो मैं इसमें अब 20 ग्राम मैदा डालूँगी, ये हो गया 40 ग्राम, इसको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये जो वेट आया टोटली मेरा किस चीज़ का आया, मैदे का आया। ठीक है, ये 21-22 मुझे जितना चाहिए मैं इसे परफेक्टली निकालते हुए, फ़ैन की वजह से क्या होता है 1-2 पॉइंट इसका हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, सो ये हो गया 20, है ना। अब अगर मुझे इसमें रेसिपी बोल रही है कि इसमें आपको और 10 ग्राम शुगर डालना है या कुछ डालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये अगर मुझे 1 बोल रेसिपी है, एक ही चीज़ में सारा कुछ ऐड करना है, तो मैं इसको हटाऊँ, फिर बाद में दूसरी चीज़ रखूँ और फिर इसमें 20 ग्राम डालूँ या 10 ग्राम डालूँ, 5 ग्राम डालूँ, मतलब मेरे 10 बर्तन इस तरह से ब्लॉक होंगे, तो मैं क्या करूँगी,
ये जो है इसी को मैं रखती हूँ। ये मेरा 20 ग्राम पहले का मैदा है, इसको मैंने वापस से टार कर दिया। अगेन ये ज़ीरो आ गया। अब मुझे इसमें 10 ग्राम ऐड करना है, ठीक है? तो मैं इसमें 10 ग्राम क्या करूँगी, ऐड कर लूँगी। लेकिन इस वक्त में आप कैसे करोगे, बहुत धीरे धीरे डालोगे, अदरवाइज़ आपने ज़्यादा एक साथ डाल दिया तो अगर आपने मैदा और शुगर, अभी तो मैं मैदे से ही आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने मैदा बहुत सारा फिर शुगर डाल दिया तो आपको फिर वो थोड़ा थोड़ा निकालना। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे आपने पानी ले लिया 150 ग्राम और उसमें आपको शुगर बोला है 10 ग्राम डालिए, आपने एक साथ ज़्यादा डाल दिया टार करके इसी सिस्टम से, तो क्या होगा कि वो शुगर आप पानी से निकाल नहीं पाओगे। अगर आप इस तरह से अलग अलग बर्तन लेते हो कि मैंने ये इतना कर लिया है फिर मैं दूसरे बर्तन में ले रही हूँ, तो फिर ठीक है, कम ज़्यादा हुआ आप धीरे धीरे उसको कम ज़्यादा करोगे, मगर ऐसे नहीं होगा, है ना। सो ये बहुत ही इजी वे है। आपने कोई भी बर्तन लिया, जैसे अभी ये बर्तन लिया है मैंने, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, इसका वज़न आ गया 98 ग्राम्स। इसको मैंने क्या किया, टार कर दिया, इसका वज़न हो गया ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसके अंदर 10 ग्राम मैदा चाहिए, सो मैं इसमें 10 ग्राम, ये हो गया मेरा 10 ग्राम मैदा, ठीक है। फ़ैन की वजह से वो 1-2 ग्राम इधर उधर चलेगा, बट ये हो गया मेरा 10 ग्राम ऑलमोस्ट मैदा। अब इसमें आप ऐड कीजिए। अब मुझे इसको मान लीजिए इसको मुझे और 5 ग्राम करना है, मतलब 15 ग्राम मैदा करना है, तो मैं इसी में डाल दूंगी। इसको हो गया ये 15 ग्राम मैदा, ठीक है। इसी तरह से 15-12 जो भी आपको करना है ये हो गया। अब मुझे अगर ऐसे नहीं करना है, मुझे इसमें मतलब टार करना है, मोड चेंज कर दिया मैंने, इसको मैंने टार किया, अब मुझे इसमें 5 ग्राम और ऐड करना है, तो मैं 5 ग्राम ऐड कर दूंगी। सम टाइम क्या होता है, आपकी रेसिपी बोलती है कि आपने मान लीजिए ये आपने यहाँ पे डाल दिया, आपकी रेसिपी में है 12 ग्राम आपको मैदा लेना है और इसके बाद आपको 2 ग्राम या 14 ग्राम ये हो गया है, चलिए ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तारिक ज़रा फ़ैन ऑफ कर देना बेटा प्लीज़। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, रेसिपी ने बोला है अभी 13 ग्राम मैदा लीजिए, उसमें 2 ग्राम आप नमक डालिए या आप 2 ग्राम शक्कर डालिए या 2 ग्राम कोई भी ऐसी चीज़ बोल दिया है डालिए। आपका 2 ग्राम आप छोटे से किसी चीज़ में लेने की कोशिश करोगे ना, वो वेइंग मशीन बताएगा नहीं। आपको क्या करना होगा, ये 12 ग्राम है तो 2 ग्राम करने के लिए मुझे इसी में इस तरह से बढ़ा लेना होगा धीरे धीरे। तो ये हो गया मेरा 14 ग्राम, तो इस तरह से बढ़ा लीजिएगा आप उसको। 2 ग्राम अगर आप करना चाहोगे ना, देखिए नहीं होगा, मान लीजिए ये है ज़ीरो कर दिया मैंने, अब मुझे अगर 2 ग्राम चाहिए ना तो ये परफेक्टली नहीं होगा, ये बताएगा ही नहीं, एक साथ 5-6 ग्राम बताएगा। ये देखिए 3 ग्राम पे आ गया है डायरेक्ट। तो 2-1 ग्राम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसे कुछ है तो आप उसी में ऐड करते हुए करोगे, ठीक है। सो ये बहुत इजीली हैंडल होता है, ये जो मशीन है ये आपको कोई भी बेकर्स शॉप में या जहाँ पे आपको बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे ये आराम से आपको मिल जाएगी। हार्डली 200-250 इतने में मिल जाती है, 200-250 में ही मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है। और इस तरह की अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मशीन चाहिए तो फिर वो आपको 1000+ में मिल जाती है, लेकिन आप ये ले लोगे तो ये हमेशा चलेगी और बहुत ही एक्यूरेट ये वज़न भी बताएगी। तो आपको इसमें सेम, इसमें भी वही है, आपकी जो तीन, आपकी सिर्फ ये 2 चीज़ें ही काम में आती है, बाकी ये सब चीज़ें हमारे काम में यहाँ पर नहीं आती है। हम लोगों को यूज़ क्या करना होता है, स्टार्ट किया हमने या हमने रखा, हमारा 118 का वज़न आ गया, अब मुझे और इसमें ऐड करना है या इसमें और ऐड करना है, मुझे दूसरा बर्तन नहीं यूज़ करना है, मैं इसको टार करूँगी और ये मैंने रख दिया तो मुझे इसका वज़न पता चल गया, ये 515 ग्राम है। सो इस तरह से ईजीली आप यूज़ कर सकते हो अपने वेइंग मशीन। अगर किसी को कुछ नहीं समझा है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ये ML होता है, ये जो कप होता है ये वेट वाइज नहीं होता है, मतलब आप सोचोगे कि मुझे 100 ग्राम्स बोला है तो मैं ये जो एक कप होता है ये 200 ml का होता है, आप इसको भर के नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये ML का ML है, और ML और ग्राम्स में जो होता है वो डिफरेंस होता है। सो ये जो कप होते हैं ये आपको पहले 200 ml का है, फिर उसके बाद उसमें हाफ हो जाता है 100 ml का, फिर उससे थोड़ा इसका 1/3 होता है,
ये होता है 60 ml का, और ये जो होता है ये होता है 50 ml का। सो ये मेरे अभी काम चल रहे हैं, मैं डोनट का बना रही हूँ इसलिए ये दूध के कप है मेरे, अभी यूज़ कर रही थी मैं। सो इस तरह से आप आराम से वेइंग मशीन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप हैंडल कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, ये फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और जो हमारा चैनल है अस्मास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस यूट्यूब पर, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।